अगर आप VXI वाला पावर विंडो लेते हो तो वो भी 14,000 का है, ZXI वाला लेते हो तो वो भी 14,000 का है। फ्रंट ग्रिल लगा दी हमने, ठीक है, ग्रिल में लगा दी, लाइट है चार। मीटर जो है भैया 9,500 का फिट करके दे रहे हैं हम लोग, टॉप मॉडल वाला, ठीक है। फ्रेम के हम लोग 300 रुपए अलग से चार्ज करेंगे, अलग से चार्ज करेंगे। बगल में एलईडी लग गई है और ये अपना DRL भी लग दी है, ठीक है। हेडलाइट में भी एलईडी लगा दी 180 वाट की, 260 वाट की एलईडी 6,000 रुपए की है ये वाली ना। हाँ जी, मॉन्स्टर विजन की एलईडी 5,500 रुपए की है, ये 2 साल की वारंटी है। डी लाइट की एलईडी 180 वाट की भैया 4,500 की है। पीछे भी डिफ्यूजर लग गया, ओके, पिलर लाइट लग गई है। ये न्यू डिजाइन टेल लाइट है 10,500 रुपए की। ये वी लैंड जो शुरू से आती है वाली 12,500। ये मिनी कूपर है ये भी 12,500 की। डैम्पिंग भी इसके अंदर, डैम्पिंग कौन सी करी? डैम्पिंग भी है वाइवो की करी है। इयरनो पहले 310 की थी, 390 MRP आ चुकी है, ठीक है। 300 का हम लोग लगाते हैं, 300 का हम लोग लगाते हैं। मीटर लग गया इसमें टॉप मॉडल वाला, ठीक है। स्टीयरिंग VXI वाला लगा है गाड़ी में। स्टीयरिंग भी है टॉप मॉडल वाला, 6,000 का फिट करके दे देंगे हम। टॉप मॉडल वाला 6,000 रुपए का, सिल्वर वाला, सिल्वर वाला जो आता है ना टॉप मॉडल में, जो ZXI प्लस में जो लग के आता है वो वाला स्टीयरिंग दे देंगे। और ब्लैक वाला भैया 4,000 का दे देंगे। साइड मिरर वो भैया ने करवा दिया इसका, ऑटो फोल्ड जिसके अंदर हम मोटर यूज करते हैं भैया। हाँ, सबसे मेन साइड मिरर, साइड मिरर 9,000 रुपए का हम लोग फिटिंग कर देंगे अगर आप रिले नहीं लगाओगे तो। और रिले में भी ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर आपने RD की भैया रिले लगाई तो मैं 1,200 रुपए की दूंगा, और अगर आपने ये बेटर डील की रिले लगाई तो फिर 900 रुपए की दूंगा। गाड़ी में हमने लगा दिया फॉग लैंप वाले, प्रोजेक्टर, IPH वाले वाली हेडलाइट, वॉलमैक्स की हेडलाइट है ये वाली। हेडलाइट मैं आपको दूंगा 15,500 रुपए की, 15,500 रुपए की। और ये वाली भैया टॉप मॉडल वाली हेडलाइट है, ये हम दे देंगे 25,500 की विद इंस्टॉलेशन विद वायरिंग। तो ये चीज चेकआउट कर लो, सीट कवर भी कुछ ये वाले सीट कवर लग रहे हैं। 1,800-2,000 है पिलर लाइट का रेट। हमने स्पॉइलर नहीं दिखाया, 1,900 रुपए का स्पॉइलर होता है। अच्छा, मॉन्स्टर स्पॉइलर हो गए 4,000 का होता है। वेलकम लाइट लगाई है, ठीक है। K4 वाली एम्बियंस लगा दी है, 1,300 की फॉग लाइट है भैया, 450 रुपए की रिले वायरिंग है। फ्रंट ग्रिल लगा दी RS वाली, ये एक नई न्यू डिजाइन है भैया। डिजाइन थोड़ा सा अलग है। IPH का प्रोजेक्टर भैया 1,800 रुपए का होता है, 1,800 का प्रोजेक्टर होता है। एंड्रॉइड लगा दिया भैया, अल्ट्रा ऑडियो का, एप्पल कार प्ले वाला अल्ट्रा ऑडियो का। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं फिर से माही कार एसेसरीज पर, और आज आपके सामने फिर से हैं काफी सारे स्विफ्ट, और हम हर बार जो दिखाते हैं वो सिंगल स्विफ्ट तो बहुत कम ही दिखाते हैं, सिंगल नहीं दिखाते है ना। तो आज हमारे पास है ब्लैक कलर की ZXI मॉडल, VXI मॉडल, और उसके थार के बगल में खड़ा है LXI। तीनों मॉडल है अपने पास है ना। बाकी बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में, तो इसमें क्या क्या चेंजेस करते हैं भैया? इस गाड़ी में देखो, फ्रंट ग्रिल लगा दी हमने, ठीक है। ग्रिल में लगा दी लाइट है चार, ठीक है। नीचे लगा दिया भैया फॉग लैंप की एलईडी, फॉग लैंप की एलईडी लग गई है, और ये अपना DRL भी लग दी है, ठीक है। हेडलाइट में भी एलईडी लगा दी 180 वाट की, ठीक है। DRL लगा दी, इसमें इंडिकेटर भी है। ये DRL भैया हमने तो रिकमेंड नहीं करे होंगे, नहीं भैया का लगाना, हमने लगा दिया, ठीक है। तो लगाने वाली चीज लगाए थे, लेकिन हम लोग रिकमेंडेशन में वही देते हैं जो हमें अच्छी लगती है। डैम्पिंग भी हुई है इस गाड़ी। अच्छा, इस गाड़ी में डैम्पिंग भी कर दिया। डैम्पिंग कौन सी करी? डैम्पिंग भी है वाइब्रो की करी हमने, गोल्ड सीरीज वाइब्रो की गोल्ड सीरीज करी है। और ये वेलकम लाइट लगाई है भैया, ठीक है। इसमें नीचे फ्लोरिंग भी कर दी है, ठीक है। फ्लोरिंग कौन सी है? ये डाई वाली है भैया, डाई वाली है, ठीक है। पीछे भी डिफ्यूजर लग गया, ओके। पिलर लाइट लग गई है, डिफ्यूजर होगी, पिलर लाइट हो गई है। इसमें एम बिल्ट इन बूफर भी डाल दिया गया, एम इन बिल्ट वाला बूफर डाल दिया, जिसकी बेस तो काफ़ी अच्छी आ रही है, लेकिन इसकी है ना। और इस वाली में क्या चल रहा है? इस वाली गाड़ी में भी अभी डिफ्यूजर लगाना है, अंदर डैम्पिंग हो रही है, स्टीरियो लगा दिया, कैमरा लगा दिया, इसमें हमने कर दिया ऑटो फोल्ड मिरर। अच्छा, मीटर ऑटो, तो अभी इसमें डैम्पिंग भी होगी यहाँ पे। हाँ, इसमें हमने देखो मोटर लगा दिया अलग से, तो ये ऑटो फोल्ड इसमें आते नहीं VXI में, तो हमने वो कर दिया। इसमें डैम्पिंग करनी है अभी भैया, इसका स्टीरियो चेंज हो रहा है, कैमरा लग रहा है भैया, सीट कवर लगा दिया हमने भैया। सीट कवर तो अपने हमेशा से आर पार ही रहते हैं भाई, तो ये चीज़ चेकआउट कर लो, सीट कवर भी कुछ ये वाले सीट कवर लग रहे हैं। और इसकी एक बार ये चीज़ देखो यार, आपको ना ये हमारे पास ही मिलेंगे, काफ़ी बढ़िया रहते हैं, इसकी पकड़ देख रहे हो कितनी ज़्यादा बढ़िया है, और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। कपड़ा कौन सा? वही नापा, ठीक है। तो स्विफ्ट के अंदर हम प्रेफर भी यही करते हैं, बाकी कोई बंदा कहता है हम ये लगा देंगे वो लगा देंगे, बेकार है, इस गाड़ी के अंदर इससे अच्छा कपड़ा कुछ रहता ही नहीं है, बढ़िया रहता है। और क्या, ये CNG वाली अपनी VXI है। इसमें देखो इनर में डैम्पिंग कर दिया हमने, अभी आउटर डैम्पिंग मार की है। अच्छा, ठीक है। तो इनर साइड में डैम्पिंग चल रही है इसके अंदर, मतलब बाहर दोनों तरफ होगी ना, तो डैम्पिंग, ठीक है। और वो LXI वाली में क्या चल रहा है? ये भाई अपना LXI वेरिएंट, जिसके अंदर कुछ भी नहीं आता, क्या क्या चीज़ चेंज कर दी एक बार वो देख लेते हैं। एक तो स्टीरियो लग रहा है, मीटर लग गया इसमें टॉप मॉडल वाला, ठीक है। स्टीयरिंग VXI वाला लगा है इस गाड़ी में, ठीक है। और इसमें कंपोनेंट वगैरह लगे हुए थे पहले। और ये मिरर पे भैया इसमें ऑटो फोल्ड नहीं किया, ये नॉर्मल कवर लगा है, कवर लगा है। अगर आप कवर भी लगवा लेते हो ना भाई, तो ये देखो लगता है सेम ऐसे ही लगता है ना लुक में। और क्या क्या है आगे? कुछ आगे नहीं है। इसे पावर विंडो भी करी हमने, पावर विंडो कर रहे हैं अभी, पावर विंडो कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अभी पावर विंडो उसके अंदर होगी, क्योंकि LXI में आती नहीं है, और इनर हैंडल भी लगाए हैं, इनर हैंडल भी लगा दिए, ठीक है। तो एक तरीके से टॉप मॉडल वाला सीन हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, और सेंटर लॉकिंग भी हो गई है। ये पावर विंडो भी लग चुकी है, खाली डोर पैनल लगाना बाकी है। ठीक है, ये देखो ये ऊपर आ गया शीशा अपना, और ये जेन्युइन है बिल्कुल, नीचे आ गया। ठीक है, ऑटो नीचे होता है। तो ये सारी चीजें चल रही है भाई इस गाड़ी के अंदर, इसको भी कंप्लीट होने दे। फाइनली स्टेयरिंग तो ओके है, बिल्कुल लग चुका है, और ZXI वाला मीटर भी, और यहाँ पर अपना जो प्लेयर लगाया था भाई वो भी लग चुका है ऑन क्यू का। और यहाँ देखो भाई ये पट्टी वट्टी सब चेंज कर दी है, बेस मॉडल गाड़ी थी ये वाली। ठीक है, भाई ने गाड़ी परचेज करी है अभी, और एम्बिएंट लाइट वगैरह, इवन अपने जो डोर पैनल है वो भी चेंज हो चुके हैं, इनर हैंडल, ये सारी चीज़ इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। बाकी पावर विंडो भी पूरी ओके है, सारी एकदम परफेक्ट वर्क कर रही है। और ये गाड़ी तो भाई अपनी मतलब अंदर से एक तरीके से इसको बोल सकते हैं हम, ZXI हमने बना दी है विद आर्मरेस्ट के साथ, तो इसके अंदर BMW टाइप आर्मरेस्ट भी लगा दिया है। गियर नॉब चेंज करेंगे अभी, जस्ट ब्लैक वाली गियर नॉब है। बाकी गाड़ी इंटीरियर से तो एकदम ZXI वाला फील दे रही है। सो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है, और बाकी ZXI भी अपनी चलेगी, LXI भी चलेगी, है ना। LXI के अंदर हमने पावर विंडो वगैरह करी थी, बट ये VXI इसके अंदर ऑलरेडी कंपनी देती है। हमने इसके अंदर क्या क्या चेंज करा है एक बार वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इस गाड़ी में हमने लगा दिया फॉग लैम्प वाले, प्रोजेक्टर IPH वाले, 180 वाट की LED के साथ, हेडलाइट में भी 180 वाट की LED लगाई है भैया। ठीक है, फ्रंट ग्रिल लगा दी RS वाली, ये एक नई डिजाइन, न्यू डिजाइन है। तो भाई ये डिजाइन थोड़ा सा अलग है, यूनिक है, अगर किसी भाई को चाहिए तो ये भी अवेलेबल है, और पुराना वाला भी अवेलेबल है, पुराना वाला भी अवेलेबल है ना, कोई भी डलवा लो। उसके बाद अगर बात करें तो इस गाड़ी में मोस्टली काम अंदर ही होता है। हाँ जी, एक तो इसका साइड मिरर वो भैया ने करवा दिया, इसका ऑटो फोल्ड जिसके अंदर हम मोटर यूज करते हैं भैया। हाँ, इसके दोनों मिरर भी है, इसमें जो है एडजस्टमेंट आती है, हमने इसके दोनों अपने मिरर में जो है मोटर लगाया है और रिले भी लगाई है। मोटर और रिले यानी कि हम अगर हम इसको रिमोट से लॉक करते हैं तो ये फोल्ड अनफोल्ड भी होगा, तो ये बढ़िया चीज है इसके अंदर। और बाकी आपके अंदर भी साइड में भी डोर वाइजर लगा दिया है। ठीक है, और ये ब्लैक पहले से आता है, पहले से आता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका अंदर ये वेलकम लाइट लगाई है। ठीक है, K4 वाली एम्बियंस लगा दी है, ये देखो भाई K4 वाली एम्बियंट लाइट है, जो कि पहले आपका रनिंग में चलती है, और उसके बाद आप कोई भी कलर जो भी छोड़ोगे वो कलर में चेंज हो जाएगी, या फिर आप रनिंग में भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन इसके अंदर चेंज कर सकते हो। ये भी इसके अंदर आता है, आता है। ठीक है, और ये लगा दिया, ये स्विच लगा दिया। ठीक है, इससे फोल्ड अनफोल्ड दोनों हो जाएगा ना, और एडजस्ट वगैरह जैसा टॉप मॉडल के अंदर होता है सेम एज इट इज वैसे ही हो जाता है। बात करते हैं वेलकम लाइट की, तो ये वेलकम लाइट क्या क्या रहता है भैया इसके अंदर, कुछ और ऑप्शन भी आते हैं? ब्लू कलर आता है, व्हाइट कलर आता है, ब्लू और व्हाइट, और एक ये वाला आता है जो ब्लू व्हाइट के साथ दोनों होता है ना। ठीक है, और इसमें जो है हमने ये स्टीयरिंग कवर भी OEM स्टाइल सील दिया फुल। ठीक है, सीट कवर लगा दी, सीट कवर हमने पहले भी दिखा दिया था भैया। हाँ जी, इसमें एंड्रॉइड लगा दिया भैया, अल्ट्रा ऑडियो का, एप्पल कार प्ले वाला, एप्पल कार प्ले वाला अल्ट्रा ऑडियो का ना, ऊपर रिवर्स कैमरा लगा दिया है भैया। ठीक है, तो एक बार रिवर्स वाला कैमरा, मूविंग कैमरे के साथ है, क्लैरिटी आप लोग चेकआउट कर सकते हो भाई, ये कुछ क्लैरिटी है। और एम्बिएंट लाइट इसके अंदर हमने लगाई फाइव पीस वाली है ना भैया, सिक्स पीस वाली है। एक साइड दूसरी साइड होगी, डैशबोर्ड में दो और चारों गेटों के अंदर आपको मिल जाती है। और क्या है पीछे भी है, रियर में हमने लगाई है पिलर लाइट। अच्छा, स्पॉयलर लगा दिया है। ठीक है, ये रिवर्स कैमरा यहाँ सपोर्ट कर दिया। ये कौन सा वाला कैमरा भैया? ये मूविंग वाला है भैया, इसी का अल्ट्रा ऑडियो वारंटी वगैरह सब कुछ। अच्छा, अल्ट्रा ऑडियो का ही है। ये बढ़िया बात है, दोनों चीज सेम है। ये लगा दिया अभी आपने, और एक अपना मर्सिडीज वाला स्पॉइलर हो गया ना, डिफ्यूजर, ये डिफ्यूजर हो गया, और ये कंपनी ऐसा हो गया बिल्कुल ना। और एक पिलर लाइट लगने के बाद तो उस गाड़ी की लुक आ जाती है, चाहे वो कंपनी वाली टेल लाइट हो या आफ्टर मार्केट कोई भी टेल लाइट हो, अगर आपने ये लगवा रखी है तो लुक बन जाती है। जिसको नहीं पसंद वो मत लगवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी पसंद होती है। और क्या करा भैया गाड़ी? इस गाड़ी में मेन यही था भैया, वो बाकी LXI में काम था, पावर विंडो मीटर वगैरह साइड मिरर वगैरह काम था, और एक ZXI में भी काम था ही बुकर। तो एक काम करते हैं हम, अभी इतना सब कुछ हमने दिखा दिया, तीनों मॉडल दिखा दिए, इस वीडियो के साथ हम इसके सारे प्रोडक्ट एक बार दोबारा से विद न्यू प्राइस के साथ प्राइस रेंज डाल देते हैं। हाँ, और जो इसके RS वाली ग्रिल है एक बार हम अंदर भी रख के दिखा देंगे ना, तो उससे थोड़ा सा पता चल जाएगा एक्चुअल में है कैसे, क्योंकि अंधेरे में यहाँ पे दिख नहीं रही प्रॉपर ना, तो वो ग्रिल भी दिखा देंगे। जब तक हम इस गाड़ी के ओनर से बात करते हैं एक बार कि उनको ये सारी चीजें कैसे लगी। इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन आप लोगों ने देख ली है, इसके अंदर काफी अच्छा काम हुआ है। बात करते हैं इस गाड़ी के ओनर से, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। एक बार सर अपना नाम शेयर कर दीजिए, और कहाँ से आए थे आप? रजनीश मुदगिल, सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा से आए? हाँ जी। क्या बात, मतलब सोनीपत से कई लोग आ रहे हैं इस बीच में, मैंने देखा। कैसा रहा सर? बहुत बढ़िया। बढ़िया, माही कार के बारे में कैसे पता चला? सबसे बड़ी बात है कि मनीष भाई का जो व्यवहार है, विक्रांत भाई का, नवीन भाई का, दी बेस्ट, सबका बढ़िया, सबका बढ़िया। ऐसा लोग, सबसे बड़ी चीज है कि हम देख के आए हैं आपके चैनल के थ्रू। ठीक है, आपके चैनल के थ्रू लड़के ने वीडियो देखी तब हम लोग आए। ठीक है, तो मतलब जैसा चैनल पे देखा सेम से बेटर ही मिला। बेटर ही मिला, मतलब काम के मामले में, क्वालिटी के मामले में, हर मामले में बेटर मिला है। बढ़िया मिला ना? बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ के हमने गलती नहीं की। ठीक है, तो एक अलॉय की अगर ख्वाहिश अगर बात करें तो है कुछ आपकी? हाँ, अलॉय डलवाने हैं। डलवाने, क्योंकि हरियाणा वाले डलवा देते हैं। अलॉय डलवाने हैं, और थोड़ा सा काम और कराना हो
यही कराएंगे, यही कराएंगे। लेकिन अभी भी इसके अंदर आपने एक तरीके से ZXI वाला काम तो तकरीबन सारा काम हो गया। ठीक है, तो भाई ये रहा इनका रिव्यू। बाकी प्राइसिंग की बात करें तो सब कुछ वैसे ही मिला, सब कुछ बेस्ट, बढ़िया ना? बहुत बढ़िया। चलो भाई बहुत बढ़िया। इस गाड़ी की मॉडिफिकेशन आप लोग देख चुके हो, और अब बात करते हैं इस गाड़ी की सारी एसेसरीज के बारे में। आज फिर से हम लोग कुछ नए प्रोडक्ट लेके आए हैं और कुछ प्राइस लेके आए हैं, तो जिसके अंदर आपको मिलने वाली है बेस टू टॉप की मॉडिफिकेशन सारी, है ना, प्राइसिंग देंगे, विद प्राइसिंग देंगे। तो भाई बात करते हैं इन सभी चीजों की जो जो हमने इस गाड़ी की अभी निकाल रखी है, जितने भी एसेसरीज लगते हैं, और इससे ज्यादा आज तक शायद आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी, इवन सबसे पहले भी अमित है, हम ही दिखा रहे हैं ना। तो बात करते हैं, इसमें टोरे वाली बात नहीं है, बात यह कि हमारे पास ये सारी चीज अवेलेबल है और हमेशा अवेलेबल रहती है, इधर उधर से मांगने की जरूरत ही नहीं रहती हम लोगों को। बात करते हैं अब क्या क्या चीज हम आप लोगों को आज हम दिखाने वाले हैं। देखो सबसे पहले दिखा देते हैं LXI का जो पावर विंडो होता है वो, ठीक है। अगर आप VXI वाला पावर विंडो लेते हो तो वो भी 14,000 का है, ZXI वाला लेते हो तो वो भी 14,000 का है। दोनों का प्राइस सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है दोनों में। देखो वायरिंग के साथ है भैया, हाँ जी, ये देखो भाई वायरिंग है, और वायरिंग पे प्राइस वाइज सारी चीज मेंशन है, जो कि मैं हमेशा से आपको दिखाता भी आता हूं। 14,000 रुपए कंप्लीट पड़ती है भैया पावर विंडो विद इंस्टॉलेशन के साथ। इसमें हम लोग मिरर का स्विच भी लगा के देंगे भैया, मिरर का स्विच भी लगा के देंगे हम, यानी कि अगर आप मिरर नहीं लगवाते हो तो ये देखो हमारे किसी वीडियोस में आप ये नहीं देखोगे कि मिरर की जगह खाली होती है, हम लोग खाली जगह नहीं देते, हम लोग स्विच लगा के देते हैं, उसकी कॉस्टिंग भी नहीं लेते। हाँ जी, अंटे अनलेस ये स्विच का प्राइस जरूर होता है, कभी कभार बाई चांस ये खत्म हो गया तो प्राइसिंग भी दिखा देते हैं। ये देख लो भैया सारी चीज लिखी है इसमें, 295 रुपए। हम हमारे यहाँ की कोई भी चिट फटी हुई नहीं होगी, और हम ये भी नहीं बोलेंगे इतने परसेंट डिस्काउंट हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, परसेंट के हिसाब से नहीं देंगे, जो डिस्काउंट हम दे सकते हैं वो दे देंगे। ये परसेंट वाले चिट फाड़ देते हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, परसेंट वाले चिट फाड़ देते हैं, फिर कहते हैं भाई 50% डिस्काउंट है कि 40% डिस्काउंट है, वो चीज बेकार है। इससे अच्छा आप इन सब चीजों के बढ़िया रेट अगर आपको लगवाने तो आप माही कार पे विजिट करो। हमेशा से आज तक की जो अगर आप सर्च मारोगे तो टॉप एंड गाड़ी माही कार नहीं रेडी करी थी। और देखो गाड़ी में दो चार काम कराने से मतलब नहीं होता, क्या होता है कि लोग बुला लेते हैं भैया 40,000 में गाड़ी तैयार कर देंगे, लेकिन गाड़ी तैयार थोड़ी ना होती है भैया। 30-40,000 में तीन चार काम करवा लिया 40,000 में चले गए भैया, ऐसा नहीं होता ना, काम आप पूरा देखोगे काम क्या कर रहा है। सही बात, आप लोगों को कितना भी बजट है आपका, 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, जितना बजट है आपका वो सारा चीज हो जाएगा। अगर आप 30,000 भी लेके आते हो तो उसके अंदर आपकी कुछ एक जो क्या बोलते हैं बेसिक मॉडिफिकेशन जो होती है वो हो जाती है, वो हर किसी के पास होती है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं बोला तो हम नहीं करेंगे। हमने अगर लाख दिखाया तो लाख ही करेंगे, ऐसा नहीं है। हमने अगर लाख दिखाया तो आपको अगर एक मीटर या कुछ भी चीज ऐसी इंस्टॉल करवानी है तो आप लोग कॉन्टेक्ट करो भैया से, अवेलेबिलिटी होगी तो बिल्कुल आपको दिया जाएगा, नहीं तो जो भी एक बेसिक मॉडिफिकेशन होती है सीट कवर हो गया, सिस्टम हो गया, स्पीकर हो गया, तो वो हम भी डालते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर फर्क क्या होता है, ये अपना खाली सिल्वर पट्टी का फर्क होता है, कार्बन सा थोड़ा सा ये, और ये इसमें सिल्वर होता है भैया, देखो इसमें सिल्वर पट्टी, और इसमें प्राइसिंग का फर्क ये है भैया, देखो ये ना 55 रुपए की प्लेट आती है खाली, अच्छा ओनली 55 रुपए। और आप जहाँ भी लगवाओगे ना भैया तो कोई भी ये मत देखना गत्ते में ये नहीं आएगा, ये हर कोई चेंज करके ही लगाता है, हो सकता है गत्ते में भी आ जाए, क्योंकि प्राइसिंग में फर्क नहीं होगा भैया, खाली 55 रुपए की पट्टी होती है। अच्छा, तो ये पट्टी बेसिकली अलग से भी मिल जाती है आपको, कभी अगर बाई चांस आपकी गाड़ी में ये भी लगा हुआ है तो कंपनी जाके आप इसकी पट्टी अलग से भी खरीद सकते, ले सकते, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है पुराने होने के बाद इसमें स्क्रेचेस पड़ जाते हैं, कलर हो जाता है, तो आप चेंज करा सकते हैं, बहुत छोटी चीज है, 200 रुपए में, 250 रुपए में आपके चारों गेटों के चेंज भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं ये इस तरफ आगे आगे आते हैं, पीछे नहीं आते ना, हाँ पीछे भी है नॉर्मल आते हैं, फिर तो 110 रुपए में काम हो गया बंदों का ना, जिसके पास ऑलरेडी है, जिसके पास नहीं है उनको हम ये लगा के देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी लगा सकते हो जैसा आपका पसंद है, क्योंकि कई लोगों को सिल्वर पसंद नहीं होता, बोलते भाई मैं ब्लैक लगा के, तो दोनों चीज अवेलेबल है। और क्या भैया, इसके बाद हम लोग मीटर दिखा देते हैं, मीटर जो है भैया 9,500 का फिट करके दे रहे हैं हम लोग, टॉप मॉडल वाला, ठीक है, फ्रेम के हम लोग 300 रुपए अलग से चार्ज करेंगे, अलग से चार्ज करेंगे 9,500 रुपीज का आपका मीटर, यहाँ पे ड्रॉप हो गया प्राइस, हाँ जी यहाँ प्राइस ड्रॉप हो गया, जो कि भाई पहले से आपको, पहले हम लागे देते थे इसको 11.5 के आसपास का, पहले 11.5 था भैया, बीच में प्राइस में डिफरेंस आया, कंपनी थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट कर रही है तो इसलिए हम लोग ये रेट डाल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, ये 9.5 का आपको मिल जाएगा, और अगर आपको मीटर का कवर नहीं लगवाना तो बेस मॉडल वाला भी लग जाता है, वो भी लग जाता है, आपके 300 बच जाएंगे, अगर आप 300 रुपए कभी भी आगे दोगे तो आपका मीटर कवर लग जाता है। मीटर कवर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है जिसमें ये दो जो बने हुए हैं और इनका डिजाइन होता है इसके ऊपर, वैसे प्राइसिंग रही कितना लिखा भैया, 275 रुपए का होता है, आप कभी भी आके इसको इंस्टॉल करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या भैया बेस टू टॉप की भैया, साइड मिरर सबसे मेन, साइड मिरर 9,000 रुपए का हम लोग फिटिंग कर देंगे अगर आप रिले नहीं लगाओगे तो, और रिले में भी ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर आपने RD की भैया रिले लगाई तो मैं 1,200 रुपए की दूंगा, और अगर आपने ये बेटर डील की रिले लगाई तो फिर 900 रुपए की दूंगा, 900 रुपए 800-900। हाँ जी भैया 9,000 + 1,200 भैया, ठीक है ले लो। तो अगर आपको रिमोट से लॉक करते ही फोल्ड नहीं चाहिए, आपको अंदर से चाहिए, तो आप सिर्फ मिरर लगा लो, 9,000 में आपके लिए मिरर है, और अगर आप चाहते हो चाबी से भी आपका वो चीज टॉप मॉडल जैसा बन जाए तो आपके लिए रिले का प्राइस भैया ने बता ही दिया। और क्या क्या होता है भैया, इसके अलावा भैया हम लोग फॉग लैम्प लगाते हैं, मिंडा के फॉग लैम्प अगर लगाते हो भैया 1,300 के फॉग लैम्प है, मिंडा के फॉग लैम्प हम लोग दिखा देते हैं भैया, मिंडा का फॉग लैम्प भाई ये होता है,
ये मिंडा का फॉगलाइट डब्बा दिखा दो भैया। ये देखो भाई 1300 की फॉगलाइट है भैया, 450 की रिले वायरिंग है, और ये देखो इसकी कवर की एमआरपी देख लो, कवर की एमआरपी भी चेकआउट कर लो भाई, ये देख लो ठीक है ना, कवर की एमआरपी 180 लिखी हुई है। बाकी ये कुछ मिंडा का होता है, पेयर का वो भी, हाँ ये पेयर का प्राइस बता रहे हैं आपको, कोई सिंगल हम कभी सिंगल बताते ही नहीं, अगर हेडलाइट है तो डबल का ही प्राइस है, सिंगल का कोई प्राइस ही नहीं है। और बात करते हैं अब इसके अलावा भैया डिग्गी लॉक बता देते हैं, डिग्गी लॉक बता दीजिए, बहुत ज्यादा डिग्गी लॉक फिट करके देंगे भैया 2200 का ना, ये तो मैं कह रहा हूं खाली लैच लैच की एमआरपी है ठीक है 1240, इसमें अपना स्विच भी लगता है, वायरिंग भी लगती है, लेबर भी लगता है, कंप्लीट आप खाली आओगे ये डिग्गी लॉक लगाने के लिए तो भी हम लोग भैया 2200 फिट करके दे देंगे। भाई देखो आप जो भी भाई 30-40 हजार वाला सिस्टम करवा रहे हैं ना, तो वो ये चीज जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत कम प्राइस की है, और आप लोग इंस्टॉल कराने के बाद आपको टॉप मॉडल वाला फील मिल जाता है, आपकी एक उंगली से आपकी डिग्गी मिल जाती है। ट्विटर सेस भी दिखा देते हैं भैया, ठीक है ट्विटर सेस देख लो भाई, ये तो हम जो सिस्टम भाई हम बढ़िया सिस्टम लगाते हैं उनको हमें पूछते भी नहीं है, उनको ऐसे ही लगा, कई बार अवेलेबल होता है कई बार नहीं होता, बस चक्कर यही है, अवेलेबल होता है तो आप फ्री में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मत दो इसके कोई दिक्कत नहीं, अगर बेस्ट टू टॉप आप गाड़ी करा रहे हो छोटे मोटी चीजों की तो कभी भाई कार ने देखा नहीं, इसलिए नाम है और इसीलिए ही आप लोग भी प्यार करते हो, जितने स्विफ्ट वाले भाई है ना सारे जो प्यार करते हैं वो इसी वजह से करते हैं। और स्टीयरिंग भी टॉप मॉडल वाला 6000 का फिट करके दे देंगे हम लोग, टॉप मॉडल वाला 6000 रुपए का सिल्वर वाला, सिल्वर वाला जो आता है ना टॉप मॉडल में जो झटक साई प्लस में जो लग के आता है वो वाला स्टीयरिंग दे देंगे, ब्लैक वाला भी 4000 का दे देंगे, ब्लैक वाला 4000 का दे देंगे आपको, जो कि भाई कुछ ऐसा दिखने में जो VXI की तरह दिखता है बिल्कुल आपको। और अगर आप सिर्फ बटन लगवाते हो तो बटन आजकल लगता नहीं है भैया, अगर बटन भी लगाओगे 3000 का हो, वो पुराने भी होते हैं बटन है ना, बटन पूरा, इससे अच्छा तो आप यही लगवा लो, ये आपका 6 का और ये 4 का, चार और 6 है ना, ठीक है बहुत बढ़िया। और इसके अंदर ही भैया इनर हैंडल भी होते हैं, इनर हैंडल भैया ये दूंगा आपको 1000 रुपए का भैया फिटिंग करके, ठीक है देखो इसकी एमआरपी भी दिखा देता हूँ भैया, ये देखो 230 है, 230 इंटू मतलब 300 मतलब 920 रुपये के आसपास एमआरपी होती है भैया, लगाने वाला भी 100-200 रुपये ले लेता है, तो फिर वो 1000 रुपये हम लोग फिट करके देते हैं, फिट करके देते हैं। गियर नो पहले 310 की थी भैया, 390 एमआरपी आ चुकी है, ठीक है 300 का हम लोग लगाते हैं, 300 का हम लोग लगाते हैं, तो मतलब ये सारी चीज़ें तो अपने पास अवेलेबल है ही। इसके बाद अगर बात करते हैं भैया पावर विंडो जो हम लगा रहे हैं उसका क्या सिस्टम है, पावर विंडो भी अवेलेबल रहता है भैया हमेशा, है ना, बटन जो सारी चीज रहती है सारा जनवन है ना, ये लो ना ये पावर विंडो का ही सूटेस है, ठीक है ये देखो भाई ये पावर विंडो है अपना, और ये देखो सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएगी, लॉक अनलॉक, बाकी ये चारों के चारों पावर विंडो जो आगे से ही मैनेज कर सकते हैं, इवन आपके पीछे वाला गेट के ये वायरिंग देख लो भैया, सब पे एमआरपी होगी भैया, मेरे पास जब भी आप आओगे मैं एमआरपी फाड़ के नहीं लगाऊंगा, मैं आपके सामने एमआरपी दिखाऊंगा, ये स्कैम है कि भाई पहले फाड़ देते हैं बाद में कहते हैं फटा हुआ है पीछे से फटा हुआ है, कभी भी एक मारुति फाड़ के ये चीज नहीं देती है, क्योंकि वो हमेशा ये चीजें बिल पे देती है, है ना, कभी भी कोई चीज बिना बिल के आती ही नहीं है वहां से, या चोरी वाला सिस्टम भी नहीं होता कि वो बंदा सोचे कि फाड़ के चोरी करके लेके आया हुआ, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये सारी चीजें आपको जीएसटी बिल पे मिलती है, जो कि भैया को ही मिलती है, जीएसटी बिल पे ही आता है भैया, किसी को भी पता क्या फर्क होता है भैया, लोग कहते हैं कि 40000 में गाड़ी तैयार कर देंगे, हाँ आप आओ पावर विंडो लगाओ, सेंटर लुकिंग लगाओ, स्टीरियो 4 स्पीकर लगाओ, स्टीरियो लगा लो 4000 वाला स्पीकर लगा लो, 800 रुपये वाला, मेरे पास स्पीकर तो नहीं है, मेरे पास सबसे मतलब सस्ता स्पीकर भी होगा तो 1500 स्पीकर आता है नाकामिची का भैया, वो अवेलेबल है, बाकी तो ये सब सोनी ES वगैरह GL ऑडियो वगैरह ये सब तो अलग है, ये फर्क होता है भैया। हमारे पास जो ब्रांड है वो भाई देखो मोरल जैसी ब्रांड मिलती है आपको, इन्फिनिटी सी ब्रांड मिलती है, सोनी मिलता है, ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको इन्फिनिटी वापस से आ गया, ऑडिशन आ गया, ये GL ऑडियो आ गया, ठीक है ये अपना आ गया हर्ट्ज का, तो सारी चीज क्वालिटी वाली रखी है, इवन DD भी अवेलेबल है, अवतार भी अवेलेबल है, और उसके बाद डेप बॉन्स वगैरह सारी चीज़ें, देखो शुरू से जो भी कस्टमर है ना वो बढ़िया ही है, बढ़िया अभी पता क्या होता है कस्टमर को लगता है कि यार वहाँ सस्ता होता है, ऐसा नहीं है ना भैया, आप जहाँ ब्रांड ही नहीं मिलेगा अगर एक दो ऑप्शन पे जाओगे वहाँ पे तो फिर गाड़ी अच्छी तैयार नहीं होगी ना भैया, फिर बाद में आपको पछताओगे यार गाड़ी ढंग से ही करवा लेता है, मतलब ये होता है कि आपने चीप के चक्कर में वो सामान लगवा तो लिया, हाँ जी भैया, बट वो चीज जब आपको 2 महीने बाद 6 महीने बाद दिक्कत देना शुरू करती है, इवन वो देरी होती है, बट आप कम पैसे के चक्कर में, भैया एक बात बताओ यार भैया, आज यहाँ पे आईफोन यूज करने वाले भी है, नोकिया यूज करने वाले भी है, सैमसंग यूज करने वाले भी, और चाइना फोन भी यूज करने वाले हैं ना भैया, तो बात समझो ना फर्क, अगर थोड़े से फर्क में आपको ज्यादा मतलब उस चीज का फर्क मिले तो कोई तुक नहीं बनता भैया, सही बात, और DSLR यूज करने वाले भी है, क्योंकि जो वीडियो वगैरह हम लोग बनाते हैं कुछ लोग DSLR यूज करते हैं भाई, उनकी क्वालिटी अलग ही लेवल की होती है, अलग पैसा खर्चा होता है, फर्क होता है भैया, अगर आपने कंपेयर ही नहीं किया कि बताओ भैया मैंने आपको कुछ भी चीज मतलब अच्छी दिखाई नहीं तो वही अच्छी है ना, सही बात है, सस्ते वाली ही अच्छी है, नॉर्मल एक बार बताओ 4 टेल लाइट पड़ी है, अगर मैंने खाली दिखाई 9000 वाली तो 12 और 13000 वाली का तो कोई तुकी नहीं बनता, तो वही अच्छी अपने पास अवेलेबिलिटी, अगर मैं बात करूं तो भाई चारों ये नई वाली टेल लाइट जो अपनी आई थी वो है, जो कि कुछ ऐसी इसके जैसे डिजाइन की है, और इसके जैसे फीचर्स भी इसके अंदर अवेलेबल है, कौन कौन सी डिजाइन मतलब क्या क्या नाम है भैया इनके,
ये देखो सबसे पहले दिखा देते हैं, इसमें मर्सिडीज वाली टेल लाइट है ये, ठीक है। ये तो बहुत फेमस है, ये रेड में भी अपने पास, ये रेड में भी है, स्मोक में भी है, ये न्यू डिजाइन टेल लाइट है 10,500 रुपए की। ये वी लैंड जो शुरू से आती है ये वाली 12,500 ये मिनी कूपर है, ये भी 12,500 की, 12,500 रुपए की है। तो ये चारों टेल लाइट आपको एक ही फ्रेम में मिल रही है, सबसे बड़ी बात। और ये कितनी भी लगवा लो आपको दिक्कत नहीं, जितनी मर्जी लगवा लो भैया, इसकी क्वांटिटी हमारे पास कम नहीं है ना। और हेडलाइट की बात करें तो एक हेडलाइट ये है, एक हेडलाइट ये भी है, देखो ये वाली हेडलाइट वॉलमैक्स की हेडलाइट है, ये वाली हेडलाइट मैं आपको दूंगा 15,500 रुपए की, 15,500 रुपए की। और ये वाली भैया टॉप मॉडल वाली हेडलाइट है, ये हम दे देंगे 25,500 की विद इंस्टॉलेशन विद वायरिंग। ये कोई भी चार्ज मेरे, मैं जो भी प्रोडक्ट बता रहा हूँ इसमें कोई फिटिंग, देखो ओरिजिनल आप जो भी प्रोडक्ट लेते हो इसमें कोई फिटिंग का चार्ज एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। फिटिंग हम लोग अगर एक्स्ट्रा लगाते हैं लास्ट में 1,000 या 1,200 रुपए तो हम लोग स्टीरियो स्पीकर या और भी कुछ कराते हो, फॉग लाइट, डीआरएल, एलईडी वगैरह उसके लगाते हैं, हम लोग कोई फिटिंग चार्ज एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते। सही बात है, कोई भी हम ये नहीं बोलेंगे भैया कि कोई स्पेशल वायरिंग हमारी है 900 रुपए की 1,000 रुपए, ऐसा कुछ नहीं होता भैया, वो आप लोग चेक करके जाओ जहाँ से भी लगवाओ। और एक चीज और भाई देखो, ये हेडलाइट महंगी आपको लग रही होगी और ये सस्ती लग रही होगी, दिखने में दोनों सेम है, लेकिन इसके अंदर आपको एक तो आपको इसी के अंदर इंडिकेटर भी मिल जाता है, इस वाली में इंडिकेटर आपको यहाँ साइड में मिलता है और डीआरएल यहाँ मिलता है, इसमें डीआरएल यही मिलता है और इंडिकेटर भी यही मिलता है। भैया देखो जिसको गाड़ी बनानी है मॉडिफिकेशन के मतलब की, जिसको अलॉय लगाना है, स्पॉइलर लगाना है, वो सब लगाना है तो उसके मतलब की ये है, ये वाली है। जिसको चाहिए ओरिजिनलिटी की, भाई गाड़ी मेरे को ओरिजिनलिटी चाहिए और गाड़ी लगे टॉप मॉडल, तो उनके लिए ये वाली है, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं एक चीज बताता हूँ, ये जो हेडलाइट आती है पीले बल्ब के साथ आती है, येलो के साथ आती है, ठीक है। अगर इस पर जब बल्ब लगता है तो ये थोड़ी सी और कॉस्टली बन जाती है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्स के लिए मतलब अराउंड अराउंड पता है, ये भी 21-22 हज़ार की पड़ती है, ये भी 25,500 की पड़ती है। अगर लाइफ पे कंपेयर करूंगा भैया, लाइफ किसकी ज्यादा है तो लाइफ टॉप मॉडल की ज्यादा होती है भैया। सही बात है, क्योंकि देखो इसमें दिखने में सेम लग रहा होगा, लेकिन अगर बात करूं यहाँ देखो पूरा पूरा क्रोम है, और यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बाहर की साइड क्रोम है बट अंदर की साइड डिफरेंट। तो ये मारुति जेन्युइन पीस है और ये वाला आफ्टर मार्केट पीस है, तो आफ्टर जो जितने भी मॉडिफिकेशन वाले भाई है वो ये वाली प्रेफर करते हैं, और जितने भी हमारे बेस्ट टू टॉप वाले भाई है वो ये वाली प्रेफर करते हैं, बाकी आपके लिए दोनों अवेलेबल है, आपका जो मन करे वो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भैया डिजायर के बारे में क्या ख्याल है, डिजायर डिजायर की पावर विंडो अवेलेबल है, डिजायर का मीटर भी अवेलेबल है, डिजायर का मीटर ले लो भैया 10,500 का दे देंगे, ठीक है। पावर विंडो देंगे 15,500 का भी, पावर विंडो 15,500 का, इसमें भी आपको ये वाला मिलेगा जिसके अंदर ये डिजाइन होता है, टॉप मॉडल बोलते हैं इसको, टॉप मॉडल वाला बोलते हैं। इसका दूसरा वाला जो पीछे वाला वो यहाँ पे रखा हुआ है, ये दोनों का पीछे वाला सेम ही होता है, लेकिन क्या है जो VXI वाला होता है इसमें आगे भी वुडन नहीं आता है, अच्छा ये फर्क होता है, ये फर्क होता है। और ये वाला देखोगे तो ये अपना स्विफ्ट वाला हो गया जो कि ब्लैक कलर में आपको मिल रहा है, और वहां पर आपके मेन आगे वाले रखे हुए हैं। और एक चीज और है, एक नया प्रोडक्ट जो आपके लिए लॉन्च हुआ था वो हम शायद पहली बार दिखा रहे हैं, न्यू ग्रिल, पता क्या अभी तक जैसे हम लोगों ने वीडियो में नहीं दिखाई है, तो जहां भी ये ग्रिल जा रहे हैं लोग कहते हैं ये लोकल, लेकिन ये लोकल नहीं है भैया, वो तो चल रही थी शुरू से, वो तो है सेम रेट की दोनों ग्रिल है, ये भी बहुत अच्छी लगती है देखने में और वो भी बहुत अच्छी लगती है, तो उसकी अवेलेबिलिटी अभी मार्केट में शॉर्ट हो रखी है, तो इसलिए लोग जो है उसको ज्यादा पसंद करते हैं, इस वजह से लोग कहते हैं अभी नहीं अवेलेबल है। दोनों की प्राइसिंग सेम है, चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो भैया, ठीक है। तो जैसे वो आ जाएगी आपको ऑप्शन हमारे पास, तो दोनों मेरे पास तो दोनों मिल जाएगी भैया, 3,000 की ग्रिल है, 3,000 की ग्रिल है, यही ग्रिल एक टाइम में बहुत मतलब काफी महंगी भी थी, और अब 3,000 में आपको मिल रही है और काफी अच्छी क्वालिटी सेम है, सेम क्वालिटी बस इसमें जो ये वाला जो डिजाइन है ना होल जो है वो थोड़े से बड़े बड़े हो गए, बस ये कोई ना कोई कंपनी निकाली देती है, एक नया बनाई देती है, सेम कंपनी ने निकाला भैया, डिजाइन थोड़ा अलग है, न्यू गाड़ी में ऐसा डिजाइन आ रहा है भैया, अच्छा लोग खाली उससे कंपेयर कर रहे हैं, अच्छा नई वाली में थोड़ा सा पैसा हाँ डिजाइन है, तो उसको पहले निकाल दिया ताकि पुरानी वाली भी हमारी कुछ ऐसी लग जाए ना। तो ये जो आफ्टर मार्केट जो हम लोग स्विफ्ट की बॉडी किट लगाते हैं उसकी ग्रिल का डिजाइन क्या होता है ये बताओ ना, यही तो होता है इससे। हाँ, और आने वाली जो नई वाली स्विफ्ट होगी भाई उसका भी सामान आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा हमारे पास ही, हमारे चैनल पे विद डिस्काउंट के साथ। और क्या भी हम ये लगाते हैं ना उसमें, ये सेंट्रल आईडी की है, ये हो जो है हम लोग भैया लगाते हैं फ्लिप की के साथ 3,450 रुपए की, जिसमें की चाबी बनाने का चार्ज भी इंक्लूड होता है, सब चीज इंक्लूड होता है, सारी चीजें इंक्लूड है 3,450 रुपए में, आपकी सेंट्रल लॉकिंग रिमोट से काम करेगी आपकी गाड़ी, रिमोट से है ना। उसके अलावा और क्या बचा भैया हमारे पास भैया, और हम लोग जो प्रोजेक्टर वगैरह लगाते हैं ये क्या चीज लगाते हैं, ये तो बॉडी किट उसकी है क्रिस्टा की, अच्छा क्रिस्टा की है। और ये अपनी हो गई फॉग लाइट्स, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीएच का प्रोजेक्टर भैया, 1800 रुपए का होता है, 1800 का प्रोजेक्टर होता है, इसके अंदर आपकी एलईडी डलती है, या आप एलईडी अपनी मर्जी का जो मर्जी डलवा लो भैया, अगर 120-130 वॉट डलाते हो तो 3,350 रुपए की आती है, 180 डलवाते हो तो 4,450 की रेंज में आती है। और एक चीज बता दूं भाई, लोग क्या करते हैं इसको डाल देते हैं, बहुत मतलब कुछ लोग इसको डाल देते हैं, इसके पीछे सस्ती एलईडी 1,000 रुपए वाली लगा देते हैं, जो हैलोजन बल्ब होता है वो भी डाल देते हैं। मैं तो एलईडी को ही बेकार कर रहा हूं, तो हैलोजन का तो अभी मैंने देखा रिसेंटली, तो इसके अंदर एक 500-600 वाली एक एलईडी डाल दी और बोला कि मतलब हो गया, व्हाइट हो गई तो हो गया, उससे कुछ नहीं होता भाई। उसके साथ हमारे पास अवेलेबल है कुछ ये वाले प्रोजेक्टर्स, तो इनको साइड रख देते हैं, क्रिस्टलाइज का ही नाइट राइडर प्रोजेक्टर आता है ये वाला, ये तो भाई आपने देखा ही है, और ये क्यूएट प्रो है,
वो समुराई वाला प्रोजेक्टर आता है, ये आईपीए ट्राई कलर है, तीन कलर वाला। और ये वाला भी अपने पास तीन कलर में अवेलेबल है, ये वाला भी तीन कलर में अवेलेबल है, और ये वाला कौन सा, नाइट राइडर है। ये सारे अवेलेबल है। इन सबके अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो अप्रोक्स क्या पड़ेगा भैया? देखो 8,500 का ये लगाते हैं, ठीक है, 6,000 का वो लगाते हैं ट्राई कलर। अगर वो सिंगल कलर लोगे तो भैया वो पड़ेगा आपको 5,000 का। अच्छा, आईपीएच हम लोग 1,800 का लगाते हैं, फॉग लैम्प जो है इसका अपना मिंडा का 1,800 का लगाते हैं, सॉरी 1,300 का लगाते हैं। समुराई वाला प्रोजेक्टर जो 8,000 का लगाते हैं, नाइट राइडर प्रोजेक्टर 7,500 का लगाते हैं। और ये सब कुछ पेयर का प्राइस है? पेयर है ना, विद इंस्टॉलेशन। बस भाई ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, कितने अच्छे प्राइस में मिल रही हैं। मतलब ये वो है जहां पर आपको हेडलाइट जलाने की जरूरत ही नहीं है। और मेरे पास भैया जब भी आप आओगे मेरे पास ये चीजें हमेशा अवेलेबल रहती है, मेरे को कहीं मंगाने नहीं पड़ेगा। उसके बाद एक चीज और बताता हूँ भाई, देखो यहाँ पर बात करते हैं एलईडी की। जब आप इन हेडलाइट को चूज नहीं करके ये बोलते हो सीधा कि मेरे पास स्टॉक हेडलाइट को पसंद आता है, स्टॉक हेडलाइट, क्योंकि जो 30-40 हज़ार वाले की हम बात कर रहे हैं कि हमारे भाई जो 30-40 हज़ार लेके पहुंच जाते हैं वो हेडलाइट नहीं डलवाएंगे, क्योंकि 25,000 की हेडलाइट होगी कोई मतलब ही नहीं पड़ता। बात करते हैं कि वो क्या डलवा सकते हैं, कुछ ये एलईडी, एक कार्डी 260 वाट की एलईडी 6,000 रुपए की है ये वाली ना। हाँ जी, मॉन्स्टर विजन की एलईडी 5,500 रुपए की है, ये 2 साल की वारंटी है। डी लाइट की एलईडी 180 वाट की भैया 4,500 की है। इसके अलावा हमारे पास और भी कंपनी बहुत सारी है। से लेकर हमारे पास 260 वाट तक की अवेलेबल है, कम से कम इसके अंदर 6 से 7 एलईडी है। लाइटिंग में तो हमारी एक्सपर्टी है, इसके लिए तो हमारे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप जो चाहिए वो मिल जाएगा। आप 130 भी डाल लोगे वहाँ भी खुश रहोगे, 260 भी डाल लोगे वहाँ भी खुश रहोगे, कहीं आपको डाउन होने की जरूरत नहीं है ना। चाहे आप उसको इस वाले प्रोजेक्टर के अंदर डाल लो, चाहे अपनी हेडलाइट के अंदर डाल लो, आर पार ही रिस्पॉन्स रहना, चाहे 130 हो चाहे 260 हो ना। और प्राइसिंग मैंने आपको शेयर कर ही दिया। इसके बाद अगर बात करें ये भैया DRL जो बहुत फेमस है, 2250 सिर्फ। एक पिलर लाइट भी आती है भैया, एक पीछे लगती है। हाँ, पिलर लाइट भैया 1,800-2,000। इतना ज्यादा सामान है कि हमने इतनी लगाने के बाद इतना सब कुछ करने के बाद वो भूल गए हम निकालने ना। भैया 1,800-2,000 है पिलर लाइट का रेट। हमने स्पॉइलर नहीं दिखाया, 1,900 रुपए का स्पॉइलर होता है। अच्छा, मॉन्स्टर स्पॉइलर लोगे 4,000 का होता है भैया। मॉन्स्टर स्पॉइलर 4,000 का होता है। और एक बैटमैन वाला चल रहा है, बैटमैन वाला भी 4,000 का, 4,000 का ही है ना। और विद पेंट है, विद पेंट आ रहे हैं, पहले विदाउट पेंट। और बॉडी किट भैया 24,500 की दे देंगे आपको, कंप्लीट साइड के साथ। और ये विदाउट पेंट है, विदाउट पेंट आपको करवाना पड़ेगा। बॉडी किट आ रहे हैं, जो स्पोर्ट वाली बॉडी किट होती है, जो भाई मुझे फॉलो करते हैं जिनको पता है मेरी गाड़ी में लग चुकी है, और जो मैं वीडियो दिखा भी चुका हूँ कई गाड़ियों में लगी हुई, तो वहां पर वो लोग समझ गए होंगे कि स्पोर्ट वाली एक्चुअल में होती कौन सी। और ये सिर्फ और सिर्फ स्विफ्ट के लिए होती है, डिजायर के लिए नहीं होती है। डिजायर में नहीं लगती है, तो डिजायर वाले भाई कभी मत पूछना भाई हमारी गाड़ी में लग जाएगी। डिजायर में ओनली फ्रंट बम्पर लगेगा भैया, फ्रंट बम्पर लग सकता है ना। हाँ, फ्रंट लग जाएगा, बैक नहीं लगेगा, क्योंकि बैक का डिग्गी वाला सीन है। फ्रंट अगर लगवाना है तो फ्रंट लगवा सकते हैं ना, मिल जाता है भैया, महंगा पड़ता है, प्राइसिंग से दिक्कत नहीं है तो मिल जाएगा भैया 16,500-16,000 की रेंज में पड़ेगा। इससे अच्छा तो भाई आप स्विफ्ट वाला खुद का बम्पर लगा लो, अगर आपको डिजायर का नहीं पसंद तो स्विफ्ट का मेन बम्पर लगा लो, कंपनी वाला वही बढ़िया है। उसमें आरएस ग्रिल भी लग जाएगी, आरएस ग्रिल भी लग जाएगी, कुछ ऐसा लुक हो जाएगा आपके सामने से। और क्या क्या भी हमारे पास, कुछ और आइटम भी रखे हैं, दिखाई दे, ये छोटी छोटी चीजें हैं भैया, कैमरा है, हॉर्न है, ये सारे अवेलेबल होते हैं। स्टीरियो कितने से स्टार्टिंग है अपने पास? स्टीरियो भैया देखो 4,000 की रेंज से स्टार्ट होता है, ठीक है। स्विफ्ट में भैया ज्यादातर 6,500-7,500 तक जाके एंड हो जाता है भैया, इससे ऊपर की तुक नहीं बनती है। अगर बहुत मतलब जिनको बजट का इशू नहीं होता है तो वो लोग लगा लेते हैं महंगा स्टीरियो 16,000-15,500। जैसे हाइपरसोनिक का स्टीरियो हो गया भैया, अच्छा स्टीरियो है, 12,500 का होता है, एप्पल कारप्ले वाला, ठीक है, ये भी अवेलेबल है। अपना अल्ट्रा ऑडियो का है, बहुत सारे स्टीरियो, निपोन भी अवेलेबल होता है। स्टीरियो की बात करो तो भाई आप कंपनी पढ़ते रहोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि इतनी कंपनी एक्चुअल में स्टीरियो में क्या होता है। देखो ये चीज में ना लोगों का कंपटीशन हो जाता है, स्टीरियो में कोई कंपटीशन नहीं है। स्टीरियो तो भाई आप 4,000 वाला भी लगा लोगे और स्टीरियो तो मेरे ख्याल से कुछ भी लगा लोगे तो अच्छा ही होगा, लेकिन भैया स्पीकर पे जाके थोड़ा सोचना, वो ब्रांडेड ही लगवाना। सही बात है, क्योंकि इनका लगने के बाद तो ये होता है कि इनका स्पीड का थोड़ा सा फर्क पड़ता है, स्पीड का फर्क होता है, आउटपुट सेम ही होता है, ज्यादातर सेम ही होती है, बड़े छोटे मॉडल में 19-20 का फर्क। एम्पलीफायर का थोड़ा सा रहेगा कि एम्पलीफायर लगने के बाद इनके बाद ऑटोमेटिक एम्पलीफायर पे आ जाए तो वो अपने आप फिर एम्पलीफायर का रहता है सारा सीन आएगा ना। इसके बाद अगर मैं बताऊँ तो मेरी गाड़ी के अंदर अप्रॉक्स 24-25 हज़ार का लगाऊंगा मेरी गाड़ी में, जो 360 कैमरे वाला, जो कि 9 इंचेस का है, और वही आपको 4,000 मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे 360 वाले ऑप्शन नहीं मिलते एप्पल कारप्ले में। TS7 होता है जो 4,000 होता है, TS7 प्रोसेसर का फर्क होता है, प्रोसेसर का फर्क, चलने की स्पीड का फर्क होता है, चलने की स्पीड का फर्क होता है, क्वालिटी का फर्क होता है, थोड़ा बहुत डिस्प्ले का भी कहीं ना कहीं फर्क होता ही होगा क्वालिटीज में, और कंपनी का भी फर्क होता है। ये सारी चीजें भाई आपको मिल जाती हैं। और स्पीकर की बात करें तो अपने हम कितने मतलब कौन कौन सी कंपनी है, देखो जो हम लोग स्विफ्ट में जाते लगाते हैं पाइनियर और JBL जो लगाते हैं वो 6700 का होता है, एक कंपोनेंट एक कोएक्सियल, ठीक है, उसके अलावा उससे ऊपर जाते हैं तो हाँ पेयर फोर पीस हाँ एक कंपोनेंट एक कोएक्सियल, उससे ऊपर जाते हैं तो इन्फिनिटी लगाते हैं भैया, वो 9,000 का लगाते हैं प्राइमस सीरीज, हाँ जी, अपना एक कंपोनेंट एक कोएक्सियल, उससे ऊपर जाते हैं तो हर्ट्ज का लगाते हैं 9,500 का एक कंपोनेंट एक कोएक्सियल, और उससे ऊपर जाते हैं मॉरेल का लगाते हैं 10,500 का एक कंपोनेंट एक कोएक्सियल। तो ये सारी चीज़ें भाई स्विफ्ट को लेकर के, और स्विफ्ट की आपको मैं देख रहा हूँ ना एक ही फ्रेम में अगर आपको सारी चीज़ें मिल रही है, इसका मतलब है कि माई कार
पे सीधा जाना। और भैया एक बार और हम लोग बता देते हैं, देखो स्विफ्ट की वीडियो अगर हमारे पास ज्यादा नहीं आ पा रही है तो इसका मतलब ये नहीं गाड़ी आती है, लेकिन हम लोग नॉर्मल गाड़ी की वीडियो नहीं बनाते, फर्क ये हो जाता है भैया। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं, नॉर्मल वाले भाई हमारे ये ना सोचे कि भाई हमारी वीडियो नहीं बनती। देखो गाड़ियां ना थोड़ा आ जाती है ज्यादा, तो इसलिए हम लोग ना हर चीज को बना के नहीं डाल सकते, थोड़ा सा एक होता है ना भैया, जो हमने शुरू से अच्छी चीजें दिखाई हुई है, अब नॉर्मल हमने दो सामान दिखाया उसके बाद हल्ला कर करके बोलने से नहीं हो जाता भैया, वीडियो नहीं होती ना। आपको हम 1.5-2 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन दिखा रहे हैं, उसके अंदर से आप 40,000 की चूज कर लो, 50,000 की चूज कर लो, लाख की चीजें सारी अवेलेबल है भैया। आप ना अपना तसल्ली करके आप सामान देखो, पसंद हो तो लो, अदरवाइज जहाँ पे आपका मन करे आप वहाँ लो, वो कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस स्टैंड पे अगर आप आ रहे हो, माई कार पे अगर वन स्टॉप है अगर आप आ रहे हो, तो यहाँ से कभी आपको निराश होकर जाने के लिए नहीं मिलेगा, और कभी भी आपको प्राइसिंग जो मिलेंगे वो प्राइसिंग और क्वालिटी दो चीज का तैयार कर रखी है, 3-3 लाख रुपए की स्विफ्ट तैयार कर रखी है। ऐसा नहीं कि हर कोई वही कराने हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भैया कुछ अच्छा सोचो, ये फर्क होता है। और इसके अंदर बताया तो भाई देखो क्वालिटी का फर्क होता है, चीजों की क्वालिटी में फर्क आता है, ठीक है, स्पीकर्स का फर्क आता है, डिस्प्ले भी हम डालते हैं तो वो एक ऐसी डिस्प्ले डालते हैं वो 4,000 वाली कॉस्ट नहीं करती, वो एक अच्छी कॉस्ट करती है। जो 4,000 वाली होगी तो भैया हम 4,500 की लगा देंगे, जो होलसेल 4,000 होगा 4,500 की हम लोग फिट कर देंगे, थोड़ा सा कमाने का फर्क तो सबका होता है, और वो हर बंदा कमाता भी आप लोगों से। पर भैया बिना कमाए तो कौन क्या ही करे, दुकान के खर्चे है ना भैया, लड़के सबके पास। अगर उसको 800 का स्पीकर आ रहा है तो आपको 1,000 का जो लगा दे, क्योंकि 1,000 आपको सस्ता लगेगा बट वो बातचीत नहीं देगा वाली, है ना, वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आपको एक टॉप एंड मॉडल में से बोलते हैं ना, सच में टॉप मॉडल है उसमें मिलेगी, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। तो इतनी सारी चीजें बाकी है भैया, देखो ये जो चीजें जितनी मैं दिखा रही हूँ ये मेरे पास हमेशा स्टॉक में अवेलेबल रहती है भैया, कुछ मंगाना नहीं पड़ता मेरे पास, यहाँ नहीं मिलेगा, मेरे गोडाउन में रहता है भैया, हमारे लड़के लेके निकाल के लाते हैं गोडाउन। सही बात है, ये सारी चीजें निकालने में इनको लग जाता है अप्रोक्स 1 घंटा, ये मतलब ये सारा सजाने में लगता है हमें, यहाँ पे सारा सेट करने में, मंगाने में, गोडाउन से करने में, गोडाउन भी हमारा पास में ही है, ऐसी बात है दूर है, आपकी गाड़ी आती ही 5 मिनट में सारा सामान आया था, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सारी चीजें आपको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना आपके लिए वो बढ़िया बात है ना, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये दिखाना, बट भैया ये भी दिखाना जरूरी है तो ही कस्टमर्स का प्यार मिलता है, प्यार मिलता है। तो और यहाँ पर आपको मारुति जेन्युइन सारे पार्ट मिल रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट आपको जेन्युइन वाले होते हैं वो सारे मारुति जेन्युइन ही मिलते हैं, सारे मारुति आप बोलो तो बिल दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली भैया अगर आपको ये है ना कोई कहे ये कॉपी वो ऐसा कुछ नहीं है, आपको चाहिए आप मेरे को 14,000 देके जाओगे तो भी मैं बिल दूंगा पावर विंडो का, क्योंकि मुझे आता है भैया। लोग मैंने देखा है लोग मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियो होती है, कुछ नए भाई हैं कोई हरियाणा के कोई कहीं के, तो वो क्या करते हैं मेरी वीडियो पूरी कॉपी करके अपने चैनल पे डाल लेते हैं, मेहनत किसी और का काम किसी और का, मेहनत करके हम गाड़ी तैयार करके वो बोर्ड जब मैं दिखाता हूँ ना शुरू में उसको कट कर देंगे, उसमें आप भी दिख रहे होगे, आप भी दिख रहे होगे, सारी चीज दिख रही होगी, बट वहाँ नंबर चेंज हो जाएगा, वहाँ पर बतरी चीज चेंज हो जाती है, मेरी इंस्टाग्राम की जो रील्स वगैरह होती है वो भी कॉपी होती है, इधर से उधर जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ना जाए, लेकिन भाई सबसे जो टॉप पॉइंट पे सबसे फर्स्ट करने वाले जो है वो हम ही। और हेडलाइट में आपको जिस भी तरह की मॉडिफिकेशन चाहिए, अगर आपको ये हेडलाइटें नहीं पसंद, आपको प्रोजेक्टर इंस्टॉल कराना वो भी करवा लो, अगर डेमनाई लगवानी है डेमनाई भी अब लग जाएगी, DRL जो मेरी गाड़ी के अंदर आपने मैट्रिक्स देखे हुए हैं वो लगवाने हैं वो भी लग जाएंगे ना भैया, सारी मॉडिफिकेशन हम शुरू से ही करते हैं और शुरू से करते आ रहे हैं। और अगर मैं दिखा दूँ तो गाड़ी का जो लुक है मेरी वाली का वो देखो वहाँ खड़ी हुई है, और कुछ ऐसा लुक आपको मिल जाता है देखने के लिए, देखो ठीक है काफ़ी बढ़िया लग रही है। बाकी आप लोग बता देना भाई आप लोगों के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है, और अगर कुछ छूट गया हो तो माफी चाहूंगा भाई उसके लिए, GFX मैट अवेलेबल है अपने पास, 70 मैट अवेलेबल है भैया। बाकी प्राइसिंग की भी अगर कुछ भी लगे ज्यादा है कम है तो आप फोन करके पूछ लो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइसिंग अप्रोक्स यही रहता है भैया, वो तो खेलने वाली बात होती है। हाँ वो भैया जो कोई कम करके बता दे या कुछ करके बता दे वो अलग चीज है भैया, बाकी प्राइसिंग सेम यही, प्राइसिंग सेम ये रहता है। और यही चीज आप कभी भी जाके मारुति खुद से पता कर लेना, आपको कभी अगर हाँ पागल बनाने वाली बात है तो मेरी तरफ से आप आ जाओ। चालीस लोग तो भैया आजकल कहते हैं कि हम तो ये वाली वायरिंग डालते हैं, लोग दूसरी डालते हैं, जो 5 साल से काम वो दूसरी डालेगा और जो नए नए शुरू है वो बढ़िया डालेंगे। सही बात है, और उनको बच भी नहीं रहा यहाँ पर, फिर भी हम मतलब इतना उसमें सामान मंगाते हैं, इतनी तादाद में मंगाते हैं, तो वहां पर हमें सब चीजें देखी के चलनी पड़ती है ना, क्वालिटी भी और सारी चीजें मेंटेन करके चलनी पड़ती है। और हमारे पास भैया मेन देखो हम ना देखो शुरू से आज तक जो हमने जितनी वीडियो दिखाई है ना, सारी गाड़ी बहुत अच्छी तैयार करके दिखाई है, नॉर्मल सी बात है पता है, देखो काम कम करो हल्ला ज्यादा करो उससे मतलब नहीं होता भैया, काम ना दिखना चाहिए कस्टमर्स, गाड़ी अच्छी तैयार होगी ना कोई भी, देखो हर किसी का बजट ऐसा नहीं होता 30,000-40,000 का होता, हर कोई ऐसे भी होते हैं इनको गाड़ी तैयार करानी होती है बहुत अच्छी भैया, तो उनको कैसे पता चलेगी हमारी गाड़ी तैयार कहाँ होगी, हम लोग क्या करें हल्ला करने लगे 30,000 में भैया हमने टॉप मॉडल कर 30,000 में टॉप मॉडल हो जाएगी भैया। सही बात है यार, नॉर्मल सी बात है, कोई भैया अपना मतलब घर से कोई थोड़ा ना लगाएगा यार, कमा के ही तो करेगा कोई भी दो पैसे भैया, और सबके पैसे हैं भाई, जो 40,000 लेके बैठा उसके ही पैसे हैं, जो 2 लाख लेके बैठा उसके ही पैसे हैं, तो मैं कह रहा हूँ आप 40,000 रुपए लेके आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप आ जाओ आपकी गाड़ी में जो भी इंस्टॉल होगा हो जाएगा, हाँ जी है ना, 40,000 लेके आ जाओ, मैं लेकिन मैं नहीं बोलूंगा बेस्ट टू टॉप इन 40,000 कभी पॉसिबल नहीं है जिंदगी में, तो कोई कहता है मैं बेस्ट टू टॉप 40,000 में कर दूंगा, देखो हमें ना कस्टमर को जवाब देना पड़ता है साफ सी बात है, हम ना वैसे नहीं कहते, कस्टमर ने अगर पूछ दिया तो वहाँ पे हमारा गलती से एक बार हमने 40,000 डाल दिया था, मैंने डाल दिया था, भैया ने बोला नहीं था, लेकिन
लेकिन मैंने ऐसे कर दिया था कि ट्रेंडिंग में जाएगा। एक साल पहले की बात है, मैंने डाला था भैया को, लोग बोल रहे थे कि भैया मैं एलेक्साई मॉडल लेके आ रहा हूँ, टॉप बना देना, 40,000 रुपए दे दूंगा। तो फिर वो भैया कह रहे थे ये तो गलत हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद से कभी ऐसा हुआ नहीं कि 40,000 की हमें डालने की जरूरत पड़ी हो। 40,000 वो मेरे ही टैग था भैया, 40,000 वाला भी पहले जो डाला था मैंने, और वही आज की डेट में लोग सोचते हैं कि मतलब 40,000 दिखा के टॉप मॉडल बना देंगे। आप ये सारी चीज़ें 40,000 में लगवा सकते हो तो भाई मैं आपको दे रहा हूँ 5 गाड़ी लगवा दो, कोई दिक्कत नहीं। आप साथ में जाओ अपनी गाड़ी लेके, आपकी गाड़ी खुद फ्री में होगी। देखो जिसने लगवाना है ना उनको तो पता क्या, वो तो ये है कि वो ट्रस्ट करते हैं किसपे, कि वहाँ जाके क्या होता है फिर वो बाद में पता चलता है ना भाई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ, बाकी आप माही कार पे हो, माही की जो वीडियो देख रहे हो, माही कार जो कि करोल बाग दिल्ली में ही है, जहाँ पे आप लोग आते भी हो, ठीक है, और हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लोग तैयार भी कराते हैं, बहुत बाहर से भी आते हैं, बहुत प्यार भी है, बहुत लव एंड सपोर्ट आपका बहुत तगड़ा वाला है, जो कि मैं चाहता हूँ भाई हमेशा से रहे भी, है ना, माही कार पे भी, और थोड़ा सा प्यार अपने भाई को भी दे देना। फिलहाल के लिए भाई और कुछ रह गया? नहीं हो गया, खत्म करें। थोड़े ज़्यादा मतलब चीज़ें हमने थोड़ी सी कम दिखाई हैं, लेकिन हमने 5-7 मिनट शायद हमें बातों करने में हो गए, लेकिन आपको समझाना पड़ता है ना भाई, आप भाई लोग हो, हमें आपको सिर्फ इतना समझाना पड़ता है कि गलत चीज़ गलत है, सही चीज़ गलत है, तो सही चीज़ सही है, तो उसको थोड़ा सा आप देखो और आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए करते हैं भाई वीडियो को एंड, मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ, टिल देन पीस आउट, है ना। छोरी तू गोरी रंग मेरा काड़ा, मम्मी कसम मैं दिल तनी माड़ा, अपनी जोड़ी पे तंज कसे जो जुबा पे डार दो उनके ताड़ा, हाथ पे टैटू है गाड़ा, नाम का तेरे जप तपहाड़ा, फिकर का जिक्र न करियो लाडो, साथ में अपने है डमरू फाड़ा।